हेलो एवरीवन, कुरलेत किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता। आज मैं बनाने जा रही हूं बटर स्कॉच केक। उसके लिए पहले हमें कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देना है 5 मिनट। और कुकर का जो ढक्कन है उसका सीटी और उसका रिंग दोनों हमें निकाल कर रख देना है। इस तरह से मैंने रख दिया है। यहाँ पर मैंने कुकर का बर्तन लिया है। इसे पहले मैं तेल से ग्रीस कर लूंगी, उसके बाद में मैं बटर पेपर लगा दूंगी। बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से सेंटर में रखकर इसका ऐसे निशाना बना लेना है। यहां से अब यहां से इसे काट लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है। अब इसमें तेल डालकर ग्रीस कर लूंगी। इसे ग्रीस कर लिया है मैंने। अब इसे इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप तेल लगाकर मैदे का आटा छिड़क सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें मैं करीब ये 250 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया है, वैनिला प्रीमिक्स। इसमें 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। इसे मिला देना है। अभी अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार कर देंगे, बैटर। देखिए, इसी तरह से बैटर कर लेना है। अब हम इसे कुकर के बर्तन में डाल देंगे। इस तरह से अब इसे टैप कर लेना है ताकि इसमें बबल ना रहे। यहां पर मैं कुकर स्टैंड का इस्तेमाल कर रही हूं ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। देखिए, इस तरह से कुकर में पहले इस तरह का रिंग लगा लेना है। रिंग के ऊपर इस तरह से बर्तन रख देना है। इसे हम 30 से 35 मिनट्स तक बेक कर लेंगे लो फ्लेम पे। तब तक हम कैरेमल सॉस करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी चीनी। चीनी को अच्छे से पिघलने के लिए छोड़ देना है। चीनी यहाँ पर पिघलने लगी है, देखिए। चीनी हमारा अच्छे से यहाँ पर पिघल चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे बटर। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जितना बटर डाल दिया है मैंने। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसी में 1 बड़ा चम्मच जितना व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। मिला दे इसे अच्छे से। अब इसी में 2 चम्मच जितना दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने गैस फ्लेम लो रख दिया है, चालू कर दिया था मैंने यहाँ। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा सॉस अब गाढ़ी हो चुकी है। अब इसी में मैं डालूंगी बटर स्कॉच एसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स। मिला दे इसे अच्छे से। ये बन गया हमारा कैरेमल सॉस। अब हम कैरेमल क्रंच करेंगे। कैरेमल क्रंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप जितना बादाम। आप चाहो तो इसमें मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बादाम को अच्छे से रोस्ट कर ले लेना है। हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। बादाम को हमें अब क्रश कर ले लेना है।
देखिए इस तरह से क्रश कर लेना है। यहाँ पर आधा कप से भी कम चीनी लेना है। इसे कैरमलाइज होने देना है। देखिए कैरमलाइज होना शुरू हो गया है। ये कैरमलाइज होने तक हमें एक प्लेट में घी लगाकर ले लेना है। अब इसी में डालेंगे हम बटर। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसमें डालेंगे हम क्रश किए हुए बादाम, इसे भी मिला देना है अच्छे से। अब इसे तुरंत ही प्लेट पर निकाल देंगे। इसे फैला दें अच्छे से। देखिए मैंने इस तरह से फैला दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर कैरमल क्रंच ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गया ये। देखिए इसे बटर पेपर पर निकाल कर इसे अब हम इस तरह से क्रंच कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं कैरमल क्रंच। यहाँ पर हमारा केक भी बेक हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल देंगे। मार्केट में व्हिपिंग क्रीम अलग अलग ब्रांड के आते हैं। आप चाहो तो कौन सा भी ब्रांड यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब भी आप व्हिपिंग क्रीम यूज करने वाले रहते हो तब बॉक्स को अच्छे से शेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक कटोरी जितना व्हिपिंग क्रीम यूज करूंगी। आपके पास इस तरह का ग्राइंडर है तो आप इसे यूज कर सकते हो। यह है व्हिपिंग ब्लेड। इस तरह से इसे फिक्स कर लेना है। व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें कलर मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि लिक्विड कलर ही यूज करना है। 4 to 5 ड्रॉप्स इसमें डाल दूंगी। व्हिपिंग क्रीम अब रेडी हो चुकी है। देखिए इसे अब हम पाइपिंग बैग में भर देंगे। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर लेकर उसमें 4 चम्मच जितना पानी डालकर शुगर सिरप तैयार कर लिया है। यहाँ पर केक भी ठंडा हो चुका है। हम इसे ऐसे किनारों से ऐसे निकाल देंगे। बड़ी प्लेट के ऊपर हम इसे पलट देंगे। कुकर का जो बर्तन है इसके ऊपर मैं इसे रख दूंगी। इसका बटर पेपर अब हटा देंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं 2 लेयर। अब हम इसे व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। पहले हम प्लेट को इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो फिसले ना। इसी के ऊपर एक लेयर रखना। अब शुगर सिरप लगाएंगे। आप चाहो तो केक को 3 हिस्सों में भी लेयर कर सकते हो। इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। इसे अच्छे से फैला दे। अब इसके ऊपर जाएगा कैरमल सॉस।
कैरमल क्रंच, अब इसके ऊपर जाएगा सेकेंड लेयर, अच्छे से रख देना है। इस लेयर को मैंने उल्टा कर कर रख दिया है। अब लगाएंगे इसके ऊपर शुगर सिरप, अब इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, साइड से भी लगा लेना है। अच्छे से इसे फैला दे इसे। साइड से भी इस तरह से इसे लगाते हुए जाना है। इसी तरह से इसे इसे फैलाते हुए जाना है। कैरमल सॉस से डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसके यहाँ पर कैरमल क्रंच डाल देंगे। अब इसके साइड पर भी लगा देंगे। देखिए मैंने इसे इस तरह से सजा लिया है। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।